क्या बात है, पूरा गांव इकट्ठा करके बारह छह होंगे ये क्या बात है भाई? भैया जो 1200 रुपए हमको सरकार की तरफ से मिले अब इनको करना है हमको वसूल। सरकार की तरफ से? हाँ। अरे भैया कैसे मिले? अरे बच्चे की ड्रेस जूता मुझे कॉपी किताब के लिए। अच्छा, लेकिन भैया अभी हमारे लड़के का नहीं आया। आपके लड़के का नहीं आया तो आप स्कूल जाइए, स्कूल में पता करिए, बताएंगे टीचर आपको। गए थे स्कूल में? गए थे? हाँ। क्या बताया? स्कूल में पता चला कि आधार का सुधार करवाइए। हाँ तो करवाइए आधार का सुधार। ठीक भैया, ठीक ठीक है। तो भैया अब ये करेंगे हम 1200 रुपए वसूल। आखिर हमारे खाते में आए हैं, पिछले साल का बच्चे का ड्रेस जूता मुझे कॉपी किताब रखा है उसमें काम चला लेगा इस बार। अब इनको हम करेंगे वसूल इस बार। क्या ले जाए, क्या ले? अपने लिए ले कि अपनी बीवी के लिए? हाँ अपनी बीवी के लिए ले जाते हैं बढ़िया साड़ी, बढ़िया वो खुश हो जाएगी। पहनाए घुमाएंगे देहरादून और हमारी बीवी चलेगी ठमक ठमक, बढ़िया चलेगी और सब लोग कहेंगे वाह भाभी जी। तो भैया आप साड़ी ले जाते हैं, हम साड़ी लेंगे बीवी के लिए। ये बनारस वाली साड़ी बढ़िया साड़ी, डिजाइनदार वाली साड़ी। ये देखिए बहुत अच्छी साड़ी आ गई है, बनारस वाली साड़ी आ गई है। आइए आप लोग पकड़िए घर की गाड़ी, लेकर जाइए बनारस वाली साड़ी। ये साड़ी कैसे साड़ी? ये साड़ी भैया 1800 रुपए जोड़ा। 1800 रुपए जोड़ा? हाँ। एक साड़ी बताइए। एक साड़ी? हाँ। एक साड़ी 900 की है। 900 की? इतनी महंगी तो नहीं लेंगे। अरे पहले इसका डिजाइन देखिए, अपने पर पहन कर देखिए। ये देखिए, अरे तो कुछ भी नहीं, ये देखिए। अरे सारे पहनने के बाद जानते हो आपकी पत्नी लगेंगी जैसे, जानते हैं जैसे? ये सारी पहनने के बाद आपकी पत्नी लगेंगी जैसे प्रियंका खोपड़ा। प्रियंका खोपड़ा? और क्या, ये कौन सी रील लॉन्च हो गई? प्रियंका चोपड़ा सुना था? हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ भैया, वही। ऐसे नाम मत लिया करिए। अच्छा अच्छा, बहुत बुरा लगेगा उसको। अच्छा साड़ी सुनिए, अगर ये हमको 700 रुपए की देते हैं 100-200 रुपए कम कर दीजिए। अरे चलिए 700 देते हैं। वो अंदर चले गए। अच्छा 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 दही ले जाइए भैया, हमको साड़ी मिल गई। साड़ी पहना की घुमा की बीवी को तेरा दूर पर सैंडल बच रहे, सैंडल लेना बच्चे लेना ये 500 रुपए, 400 के सैंडल मिल जाएगी, 100 रुपए का हमारा पौवा हो जाएगा, पौवा मार देंगे। चलो बुलाते। अरे लज्जो, ओ लज्जो, अरे देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं लज्जो। अरे ओ लज्जो, अरे कहाँ रह गई लज्जो? अरे देखो हम तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं। दूर दूर तक नामो निशान नहीं। भैया हम शादी करके बहुत पछता रहे हैं, एक बार बुलाते हैं अपनी बीवी को और एक बार बुलाने में कभी नहीं आती है। लज्जो, ए लज्जो, बोलोगे कुछ? देखो बाल कुछ लेके आए हैं। बाल क्या? ये साड़ी? साड़ी। अच्छा और क्या? ये साड़ी कहाँ से लेके आए हो? अरे पहले खुश तो हो जाओ। साड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है ना? बहुत सुंदर है। जो हमको मिले थे 1200 रुपए सरकार की तरफ से, हम गए थे ले आए। हे भगवान, जो सरकार ने पैसा दिया बच्चों के लिए, कॉपी के लिए, पेंसिल के लिए, जूता मोजा के लिए, और तुम साड़ी लेके आ गए? अरे हम साड़ी ले आए हैं तुमको पहनने के लिए, अब तुमको क्या करना, किसके लिए मिले थे? अरे तो हमने ये कहा कमा के लेके आना। 15 साल की भी रखी है ड्रेस, उसमें काम चलाएगा। और सुनो, जाओ पहनो जाके, और जाओ हमारे लिए, पहले तुम खाना बना के, बहुत पैसे लगे। अरे जाओ, बड़े बेकार आदमी तुम, पकड़ो। अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं। जाओ, तुम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? मकान की नींव कूटने। जाओ कूटो, वरना हम तुमको कूटेंगे। जाओ। बड़ी नींव कूट कूट के हम परेशान हैं।
के इन्फॉर्मेशन के डाल दूंगी। और गोकरण कैसे हो? पीएस में टीचर्स का लेंग गुरु जी हम बढ़िया हैं, आपने बताइए। हम भी ठीक है, लेकिन तुम्हारा कुछ ठीक लग नहीं रहा है। नहीं नहीं हमारा बहुत ठीक है, आपने बताइए। अच्छा जी ये बताइए, रामू को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? वो क्या है ना कि ये बहुत हमारे घर में काम है, इसलिए नहीं भेजते हैं। और तो पहली बात तो ये है गुरु जी, ये पहली दूसरी तीसरी की तो पढ़ाई है, कौन सा इंटर बी ए की पढ़ाई है? अच्छा पहली दूसरी तीसरी की पढ़ाई है। अच्छा पास हो जाएगा। क्या बात है क्या बात है। ये बताइए ये आप क्या कर रहे थे अभी? आपको नहीं पता क्या कर रहे हैं? नहीं हमें नहीं पता, बताइए। ये है नींव। अच्छा बहुत लंबी है। क्या बात और है? नींव की जितनी अच्छे से कुटाई करेंगे ना उतना मजबूत हमारा मकान बनेगा। अरे वाह, इनको ये पता है कि जितनी कुटाई इसकी करेंगे इनका मकान उतना ही अच्छा बनेगा। जी मास्टर जी, ये पता अभी रामू को स्कूल ना भेज के ये रामू की बुनियादी कमजोर कर रहे हैं। बुनियाद कमजोर कर रहे हैं? जी हाँ। कैसे भाई? कक्षा एक दो तीन की तो पढ़ाई बच्चों की बुनियादी पढ़ाई होती है। कक्षा एक दो तीन की पढ़ाई बच्चे की बुनियादी पढ़ाई होती है? जी हाँ, और हमारी सरकार ने उसके लिए निपुण भारत मिशन भी चलाया है। पता है निपुण भारत मिशन क्या होता है? निपुण भारत मिशन बता दीजिए क्या होता है। चलिए हम बताते हैं, बेकारी बैठे रहोगे तो पता कैसे चलेगा। निपुण भारत मिशन के तहत अगर आपका बच्चा कक्षा एक में है जी, कौन सी क्लास में है? हाँ, अगर आपका बच्चा कक्षा एक में है जी, और वह दो अक्षर वाले शब्द आसानी से पढ़ और समझ लेता है। कितने अक्षर वाले? दो अक्षर वाले शब्द आसानी से पढ़ और समझ लेता है जी, और एक संख्या का जोड़ घटाव कर लेता, तो आपका बच्चा कक्षा एक में निपुण है। कक्षा एक में निपुण है? जी बिल्कुल। लेकिन गुरु जी, हमारा रामू तो कक्षा दो में। अच्छा जी, उसके लिए भी है? उसके लिए भी है। अगर आपका बच्चा कक्षा दो में है जी, और वह 45 शब्द प्रति मिनट की तवाह से पढ़ सकता है, कितने शब्द? 45। हाँ, 45 शब्द अगर प्रति मिनट की तवाह से पढ़ लेता है जी, और दो संख्याओं का जोड़ घटाव कर लेता है, तो आपका बच्चा कक्षा दो में निपुण है। कक्षा दो में भी निपुण है? हाँ समझे। और अच्छा गुरु जी बताइए, मतलब हमारा बच्चा पास हो जाएगा अच्छे से? बिल्कुल पास हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपका बच्चा कक्षा तीन में जाता है उसके लिए भी है। कक्षा तीन के लिए भी है? बिल्कुल। अगर आपका बच्चा सुनिए जी, अगर आपका बच्चा कक्षा तीन में है जी, और वह 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता है, कितने शब्द? हाँ 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता है, और 2 से 10 तक गुणा कर लेता है, तो आपका बच्चा कक्षा तीन में निपुण है। तीन में निपुण है? जी बिल्कुल। बुनियाद मजबूत हो जाएगी उसकी? हाँ। फिर वो आगे कुछ बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा भाई, उसकी बुनियाद मजबूत है तो क्यों नहीं बनेगा। आपका मकान बन जाएगा, बच्चे का भविष्य नहीं मिलेगा? बिल्कुल बनेगा। अरे इतना ही नहीं, और सुनिए जी 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 भाई, हमारी सरकार ने दीक्षा ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से घर पर बच्चे पढ़ सकते हैं मोबाइल से। मोबाइल से पढ़ाई? बिल्कुल। अरे गुरु जी, हमारी हमको ना उसमें पिक्चर देखने उसमें बैटरी नहीं बचती है, तो बच्चा उसमें पढ़ाई कहाँ से करेगा? क्या बात है। एक बात बताइए, पिक्चर जरूरी है बच्चे का फ्यूचर? पिक्चर हम देख लेते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पता है फ्यूचर जरूरी, लेकिन बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्या बात है भाई। इसके लिए हमारी सरकार ने साधार सामर्थ्य जैसे मिशन चलाए हैं, जिसके माध्यम से जो दिव्यांग लोग हैं उनको, जो स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, उनके लिए विशेष प्रकार से वहाँ पर कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो दिव्यांग बच्चों के लिए जी हाँ कार्यक्रम चलाए गए हैं? जी हाँ, और अलग से टीचरों की व्यवस्था भी की गई है। अलग से टीचरों की व्यवस्था भी की गई है जी। और तो हम ये भी हमने सुना था कि उनके लिए अलग से सेंटर भी खुलवाए गए हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, इतना सब कुछ पता है, लेकिन भाई साहब स्कूल नहीं भेजेंगे रामू को, है ना? वो हमारे पड़ोस में बच्चा है ना विकलांग, तो उनके पेरेंट्स ने उनको बताया था। अरे कम से कम उन्हीं से सुन के सीख तो लिया करो भाई, है जी। तो कल से रामू को स्कूल भेजिए, और वो भी पूरी ड्रेस के साथ, जूता मोजा कॉपी पेन पेंसिल बैग के साथ, समझ में आया? ड्रेस पूरी ड्रेस के साथ? हाँ भाई, सरकार ने 1200 रुपए दिए है ना। 1200 रुपए दिए थे? दिखा के उड़ा तो नहीं दिए? नहीं गुरु जी, सब गंदे काम नहीं करते हैं। हाँ तो ठीक है, कल से बच्चे को स्कूल भेजिए पूरी ड्रेस के साथ, समझ में आया गुरु जी? बताइए दिक्कत है थोड़ी,
जैसे कि हम बच्चे को एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए मतलब घर के कपड़ों में भेज दे स्कूल तो अच्छा। हाँ, और हम आपको अगर एक दिन के लिए जेल भेज दे तो? नहीं, जेल भी भेजेंगे। हाँ तो बच्चे को स्कूल भेजिए फिर, है ना जी। हाँ तो मैं चलता हूँ जी। गणेश जी तो मुझे कॉपी किताब हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं बचे। अरे देवी के लिए साड़ी कहाँ लेके आए थे, पहना घुमाते दे रहा दूर। राधे 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 अलाख निरंजन डाबल लाल दंत मंजन राधे 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 राधे। ये आ गए हमारे जिले बिल्मा क्षेत्र के लिए। अरे राधे राधे, देखना सेठ जी की कमर कहीं इधर से उधर ना हो जाए। क्या बात है, तो क्या बहुत परेशान लग रहे भाई। सेठ जी हम परेशान नहीं है, हमारे ऊपर से वो पहाड़ है ना, हमारे सर पे पड़ गया है। कोई मर गया क्या? मर नहीं गया गुरु जी। सब का है, रो रहे भाई। गुरु जी हमारे घर आए थे। अच्छा, बोले हैं बच्चे के लिए ड्रेस जूता मुझे कॉपी किताब लेके आओ बच्चे के लिए। हाँ, उसको पहना के स्कूल डेली भेजो। अच्छा, लेकिन हमारे पास अब पैसे नहीं बचे। मिले थे हमको सरकार की तरफ से 1200 रुपए। अच्छा, उसका हम अपनी बीवी के लिए साड़ी ले आए थे। साड़ी? आहा, साड़ी। सेठ जी आपकी बीवी के लिए नहीं लेके आए थे। अच्छा 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 अच्छा। हम बहुत परेशान हैं, हम कहाँ जाएंगे, किसी इंसान से हम मदद मांगेंगे, हम कहाँ जाएंगे? इधर आओ, इधर आओ। हम तुमको उपाय बता रहे हैं। उपाय बताए हैं, तुम यहीं पे खड़े रहना। राधे राधे राधे, और तुम वहीं चले जाओ। राधे 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 राधे। याद आ गया, याद आ गया। ऐसे कौन याद आता है? याद आ गया। सुनो, तुम हमसे 1200 रुपये ले लो। 1200 रुपये? हाँ। दे दीजिए। सुनो, तुम हमसे 1200 रुपये ले लो, 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के पहले 2500 लौटा देना। 2 महीने के बाद? हाँ। और 1.5 महीने के पहले? हाँ। 2500 रुपये लौटाना है? हाँ। ये कौन सा हिसाब है? चलिए ठीक है, हम देंगे। दोगे? हाँ। चलो पैसा दें। अच्छा। आज ये बंद कर जी। आप पुरुष नहीं हो, महापुरुष हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप बहुत बड़े वाले दानवीर। अरे सेठ जी हम तो अरे अंगूठा तो लगाते जाओ। कहाँ पे? सब हम लिख दिए हैं, उनको खाली अंगूठा लगाना। अंगूठा कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगा दो। अरे 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 अरे, तुम ये बताओ कहाँ अंगूठा लगा रहे हो? देखो तो कहाँ नहीं है ये? हमारी बीवी, तुम्हारी पत्नी है। हाँ। एक% शर्म नहीं है? ना की शर्म। कैसे रहना चाहिए, घूंघट डाल के रहना चाहिए, एकदम नाक कटवा दे। हमें ससुराल होगा? अरे कभी हमारे घर पे आइए, हमारा संस्कार देखिए। सेठ का संस्कार होता है? बताइए जरा संस्कार है। कभी हमारे घर पे आई हमारी पत्नी, हमको इतना मानती है, इतना मानती है कि जब तक वो पानी भर के दे नहीं देती है। पानी भर के दे नहीं देती? हाँ जी। जब तक वो पानी भर के हमें दे नहीं देती है। हाँ? तब तक हम बर्तन नहीं धुलते। बहुत बढ़िया सेठ जी। अरे तो कुछ भी नहीं है, और भी है, और इससे बड़े बड़े है। बताइए, हमारी पत्नी जब तक हमको सर्फ साबुन ला के दे नहीं देती है, सर्फ साबुन ला के दे नहीं देती है, ठीक है, तब तक हम कपड़ा नहीं धुलते है। बातों में ना फंसाओ, देखे क्या है आगे। देखो, 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 देखो,
अरे इसमें तो 1200 के एक महीने बाद 12000 वापस करने हैं। 12000 12000 राधे राधे क्या? अरे इसमें साफ साफ लिखा है पापा, 1200 के एक महीने बाद आपको 12000 वापस करने हैं। अभी भी ना पहुंचे कट्टा, 12000 बेवकूफ बना, पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। सब तुम्हारी गलती से हुआ है। अगर तुमको आज तो 1200 में तुमको मिले थे, कल उनके 12500 की। हमारा बेटा बहुत होशियार है। बेटा होशियार हो गया अब तो? उल्लू क्या उल्लू है क्या? ठीक है ठीक है, अपने बेटे को डेली स्कूल भेजेंगे। ठीक है भला उस दुकानदार का, कह दे साड़ी वापस कर ले, वापस कर लिया। पता है जाके किताब कॉपी ला के दिए इसको, साड़ी वापस कराई कराई। अरे वाह, नहीं नहीं बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। कितना खराब काम किया देखिए, हमारा बेटा डेली स्कूल जाएगा ना। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज ऐसा काम ना करिएगा। अगर सरकार खाते में पैसा डालती है बहुत बढ़िया, तो उसका सही इस्तेमाल करिएगा। बच्चों के जो पैसे आते हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए ही होना चाहिए, ना कि अपने खर्चे के लिए, ना साड़ी के लिए, ना पौवा के लिए, है ना।